हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी रिप की सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हवावे के सिमुलेटर जिसका नाम है ENSP। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। अब इसमें मैंने वही लैब बनाई हुई है जो सिंपल स्टैटिक राउटिंग की जो है वीडियो अपलोड जो की थी मैंने, तो उसके हवाले से वो जो लैब थी उसमें सिंपल ये था कि मैन्युअली किसी भी राउटर को राउट्स डालना किसी मिसिंग नेटवर्क का, जबकि इस लैब में हम सिर्फ कनेक्टेड नेटवर्क्स का बताएंगे राउटर को और वो थ्रू राउट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने जो नेबर है उसको बताएगा कि मेरे पास ये कनेक्टेड राउट्स हैं। तो नेबर उसी हिसाब से, जो अगर उसके पास डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क वो है तो वो उसकी एंट्री उसमें नहीं करेगा, अगर डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क नहीं है तो वो अपनी राउटिंग टेबल में वो इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा। तो सबसे पहले हम राउटर वन को क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डिस्प्ले आईपी राउटिंग, तो देखें इसके पास कनेक्टेड नेटवर्क वन और टू है, थ्री इसके पास नेटवर्क नहीं है। और सेम हम अगर राउटर टू पे जाते हैं और इसको इसका नाम चेंज करते हैं सिसनेम R2, ठीक है, और डिस्प्ले आईपी राउटिंग करते हैं तो इसके पास कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसके इंटरफेस पे जो है आईपीज नहीं दी, तो उसके लिए हम पहले जाएंगे इसके इंटरफेस में, इंटरफेस गिग 0/0 और इसको हम आईपी देंगे 192.168.2.2.24 के साथ। और सेम हम इंटरफेस वन पे जाएंगे और इसको हम आईपी देंगे 192.168.3.1.24। अब हम अगर इसको डिस्प्ले आईपी राउटिंग करेंगे तो ये देखें इसके पास कनेक्टेड टू और थ्री है और ये सारे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, टू और थ्री नेटवर्क, ठीक है। तो इसके पास अभी कोई भी डायनामिक राउटिंग एंट्री नहीं आई, तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रोटोकॉल चलाएंगे R1 पे। अब R1 पे हम सबसे पहले जाएंगे रिप राउटिंग प्रोटोकॉल और उसके बाद इंस्टेंस देंगे, इंस्टेंस वन देकर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप वर्जन वन या टू दे सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस के लिए एक हम छोटी सी अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें टू की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पर हम जस्ट वर्जन वन देते हैं, इंटर, और उसके बाद अब इसको हम नेटवर्क बताएंगे कि इसके पास कौन से कनेक्टेड नेटवर्क है। तो ये क्लास फुल नेटवर्क जो इसका वर्जन वन है वो क्लास फुल को सपोर्ट करता है, तो इसको हम 192.168.1.0 वाला नेटवर्क जो इसके साथ कनेक्टेड है वो देंगे। उसके बाद इसको नेटवर्क देंगे 2.0 वाला। सेम हम इस पे जाएंगे राउटर टू पे और इसमें रिप वन और उसके बाद वर्जन इसका वन और उसके बाद इसके कनेक्टेड नेटवर्क 2.0 और 3.0। अब जैसे हमने ये इसके कनेक्टेड नेटवर्क यानी देखें ये R2 में इसके पास कनेक्टेड नेटवर्क कौन से हैं, 2 और 3 वाला, इसमें 1 वाला नहीं है, तो मैंने 1 वाला इसको नहीं बताया। स्टैटिक राउटिंग में हम जो मिसिंग नेटवर्क है वो बताते थे, इसमें इस जो है राउटर को इसके कनेक्टेड नेटवर्क बताएंगे। इससे क्या यानी होगा इस कमांड से ये होगा कि ये कनेक्टेड नेटवर्क पे राउट एडवर्टाइजमेंट भेजेगा जिसके थ्रू इसकी नेबरशिप बनेगी अपने राउटर के साथ, और जब नेबरशिप बन जाएगी तो ये हर 30 सेकंड्स के बाद अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन यानी जिसको हम राउट एडवर्टाइज कहते हैं वो अपने नेबर के साथ शेयर करेगा। तो अब हम अगर इस पर डिस्प्ले आईपी राउटिंग करते हैं तो ये देखें वन वाला नेटवर्क इसके पास रिप के थ्रू कनेक्टेड है जिसकी प्रेफरेंस 100 है, कॉस्ट वन यानी कॉस्ट यानी वन मेट्रिक जो है होप अवे है ये। अब अगर हम इस पीसी से पिंग करेंगे तो ये पिंग इजीली हो जाएगा 1.1। देखें पहला मिसिंग इसीलिए आता है कि पहली रिक्वेस्ट आर्क के थ्रू मिस होती है और बाकी देखें ये पिंग के रिप्लाई आना शुरू हो गए।
तो ये एक छोटी सी वीडियो थी रिप की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। रिप की एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, तो देखते रहिए ये चैनल, और वीडियो वगैरह जो भी होगी उसके हवाले से इसी चैनल पे मैं अपलोड करता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।